हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं आपको एक फ्रेम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो एक फ्रेम मेरे कस्टमर ने जो फ्रेम मुझे बनाने दिया था, उसका मैं ए टू जेड शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे बनाते हैं फ्रेम, प्रिंटिंग करके रेडी हुआ है, तो उसको मैं फ्रेमिंग करने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। पोस्टर फ्रेम एक प्रिंट आउट जो है उसको फ्रेम में कैसे डालेंगे, फ्रेमिंग कैसे करेंगे, तो वो सब इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वेलकम गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये प्रिंट आउट एकदम तैयार होके रेडी है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने डिजाइन किया था अपने कंप्यूटर में, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के मदद से मैंने ये डिजाइन करके रेडी करके रखा है। तो ये मैंने प्रिंट आउट कर लिया है। तो मेरा एक कस्टमर का है, ये उनका बेटा का है। तो इसको मैं आज फ्रेम करके दिखाऊंगा। इसका साइज रहेगा आपका 18x24 18x24। तो आइए गाइस, तो फ्रेम ये रहेगा, ये 18x24 का फ्रेम है। इसका डिजाइन देखिए, डिजाइन दिखाइए, तो यहां पर दिखाइए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन है, मस्त डिजाइन है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन आई हैव गॉट। और यहां पर जो बॉर्डर दिया है, ये लाइनिंग एक गोल्डन, प्योर गोल्डन फ्रेमिंग का लाइनिंग है। तो इसके ऊपर मैं इसको ये प्रिंट आउट को फ्रेमिंग करके आपको दिखाऊंगा। इसको पहले खोलेंगे फ्रेम को। इसको धीरे से हम लोग निकालेंगे और छोटे सफा करेंगे। ओके गाइस, शीशे को हमने सही तरीके से सफा कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो शीशा को ऐसे बिठाएंगे, पहले एकदम कोने से कोना देख के कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाएंगे और इसको चारों तरफ सेट कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये प्रिंट आएगा, इसको एकदम चारों तरफ इसका साइज देख के, अगर साइज थोड़ा बड़ा भी है तो इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा साइड से काटेंगे। तो ये कैंची से हम लोग इसको मिलाएंगे, पहले ये कटिंग कर देंगे, ठीक है, एकदम बराबर कटिंग करना है, बिल्कुल फोटो को डैमेज नहीं होना चाहिए फोटो। एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर बैठ गया है हमारा फोटो, आई थिंक दिस इज परफेक्ट, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर देख लीजिएगा, बराबर एकदम मिलना चाहिए, कहीं भी उठा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग अभी ये कार्डबोर्ड रख देंगे। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमारा फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको पूरी तरह से अभी सील करना होता है, ठीक है। सील नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होता है कि इन द लेटर पार्ट, इन मे बी इन द फ्यूचर, उसमें क्या होता है, पानी घुस सकता है या तो नमी हो सकता है, ह्यूमिडिटी आ सकता है, तो उसके कारण से फ्रेम अंदर का जो फोटो है वो ख़राब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग ये डक्ट टेप ये इस्तेमाल करेंगे, इससे हम लोग पूरी तरह से सील कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये लॉक करना होता है। एकदम इसको टेप को कोने से कोना मिला के बिठाना है, ठीक है। इसको थोड़ा कपड़े से दबा दीजिए सो दैट अच्छे से बैठ जाइए। इसको यहाँ से काट दीजिए, दूसरी तरफ भी वैसे ही करना है। ये देखिए गाइस,
फ्रेम का जो क्वालिटी है A1 क्वालिटी है, नंबर वन क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया फ्रेम है ये, वन एंड ओनली गुरुंग टेलीकॉम में ही मिलेगा। इसको वहां से भी एक, यहां से भी दे देंगे। मेन थिंग इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है, आप कमेंट पर बताइए। ये जो अभी है ये डिजाइन मैंने किया है, ये जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबीज जिसका भी है या तो छोटा बच्चा, इनका एक स्टोरी, एक मेमोरीज के रूप में ये फ्रेम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर दिखाइए, ओके, यहाँ पर नाम आएगा, बच्चे का नाम आएगा, यहाँ पर कौन सा तारीख, कौन सा डेट, मंथ एंड ईयर में वो बर्थ हुआ है, बोर्न हुआ है, 28 मार्च 2023, तो यहाँ पर ये देंगे कौन सा हॉस्पिटल में, या तो घर में या तो कहाँ पर वो उसका बर्थ हुआ है, जैसे रेयंस हॉस्पिटल हरियाणा गुड़गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर टाइम दे देंगे कितने बजे वो बोर्न हुआ है, कितना केजी का था वो, व्हाट इज़ द केजी व्हेन ही और शी द बेबी हैज़ बीन बोर्न, जो ब्लड ग्रुप है वो भी दे देंगे, ओ पॉजिटिव, इनका पेरेंट्स है मम्मी डैडी का, यहाँ पर नाम दे देंगे, ठीक है, और इनका फोटो, एक फैमिली फोटो आएगा। ये फ्रेम अभी जो ट्रेंडिंग में है, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है, ये यहीं पे वन एंड ओनली गुरुंग टेलीकॉम में बनेगा। तो अभी इसका लास्ट पार्ट क्या रहेगा, इसके पीछे एक हुक देना है, ठीक है, हैंगिंग के लिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ब्रास हुक है, और ये आपको ऐसा हुक, ये देखिए एकदम प्योर क्वालिटी का हुक, सब यहीं पे बनता है गाइस, कहीं और नहीं बनता है, सब यहीं पे बनेगा। इसको मेजरमेंट लेके बराबर में आपको हुक लगाना है, और सब पे दिखाई दे, नहीं मरो, सब पे भगवान को क्या होता है, सब पे हल्का दिखाई दे, इस तरह चारों तरफ दिखाई दे, ये देखिए गाइस। सो ये बन के रेडी हो गया हमारा फाइनल फ्रेम, 18x24 का ये फ्रेम बन के रेडी हो गया है, तो कस्टमर को हम डिलीवर कर देंगे बहुत ही जल्द। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर कंटेंट्स लाइक दिस, तो टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा फ्रेमिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय।